आपके फार्मेसी वालों में ये यूरिनरी सिस्टम या किसी सिस्टम के नाम से चैप्टर है, ये एबीपी में बी फार्मा में सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, और डी फार्मा वालों में चैप्टर नंबर 11 है। आपके डी फार्मा वालों में ये यूरिनरी सिस्टम के नाम से, और बी फार्मा में ये एक्सक्रीशन सिस्टम के नाम से ये पूरा का पूरा चैप्टर है। डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। अभी मैंने आपको दो तीन दिन पहले आपको पढ़ाया था डाइजेशन, आपको याद होगा उस डाइजेशन में लास्ट स्टेप जो था वो एक्सक्रीशन था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कुछ भी खराब चीजों को बाहर निकालना, वेस्ट चीजों को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या। डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, हम जो भी शरीर में खाना खाते हैं, आप कोई भी चीज जानते हो कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें आप कुछ भी डालिए और कुछ वेस्ट ना निकले, 100% एनर्जी। आप डालेंगे जनरेटर में तेल, धुआं निकलेगा, बाइक में डालेंगे तेल तो धुआं निकलेगा, है ना। तो किसी आप किसी दुकान समोसा वोसा दुकान बनाए उसमें भी वेस्ट कुछ कचरा निकलेगा, तो कोई भी आप फल लीजिए उसका छिलका निकलेगा, है ना। तो दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके साथ कोई वेस्ट ना निकले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी खाना खाएं और उस खाने का वेस्ट ना। तो उसी तरह जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो उस खाने से तीन चीज़ें वेस्ट निकलती हैं। एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, और नाइट्रोजन उपस्थित मतलब जैसे कि हम प्रोटीन खाते हैं, अमीनो एसिड होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपने पता है कि जब आप खासियल के अंदर जाता है और ग्लूकोज O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ATP और CO2, वो CO2 भी निकलता है, और कुछ हमारे जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर निकलता है जिसमें लैटरिंग होता है, वो भी एक वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से खाने डाइजेशन के बाद ये तीन चीजें निकलती है। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसके बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक ये पसीने के द्वारा स्किन से निकलता है। कुछ नाइट्रोजनस बेस अगर आप पसीना कभी मुंह में टेस्ट किए होंगे तो खारा खारा लगता है, आप बिलीव मानिए वैसा ही यूरिन का भी टेस्ट होता है, कभी करिएगा नहीं लेकिन होता है वैसे, है ना। स्किन जो होता है वो उससे स्वेट निकलता है, और किडनी से यूरिन निकलता है। ये दोनों सेम चीज है, सेम कंपोजिशन है, बस रूट अलग अलग है, और ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और इन दोनों की मात्रा जो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में पर डे बनता है वो इन्हीं दो रास्तों से शरीर से बाहर निकलता है। ठंडियों में जब स्वेटिंग कम होती है यूरिन बढ़ जाता है ना, और गर्मियों में जब स्वेटिंग ज्यादा होती है यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बनना पर डे की मात्रा में, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बनना एक ही मात्रा में पर डे। तो गर्मियों में बहुत ज्यादा हमारा जो वेस्ट है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, इसलिए यूरिन की मात्रा कम हो जाती है गर्मियों में। लेकिन ठंडियों में क्योंकि पसीना बिल्कुल नहीं निकल पाता है इसलिए हमारा पूरा पूरा यूरिन किससे निकलता है, यूरिन के रूप में निकलता है किडनी से। ये सिंपल सा फंडामेंटल है किडनी के द्वारा। उसके बाद जो CO2 होता है वो लंग्स से बाहर निकलता है, याद आप सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सपायरेशन करते हैं, तो जो CO2 होता है वो लंग्स से बाहर निकलता है, और जो फीकल मैटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। क्यों, मैंने बताया था कि जब फूड का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो फीकल मैटर बनता है वो एनस द्वारा शरीर से बाहर जाता है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम है क्या, मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फीकल मैटर द रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। कुल मिलाकर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना इसे कहते हैं क्या हम लोग, एक्सक्रीशन। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं ये एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम को, इसमें ये तीन चार मोड है, इसकी वाला मोड है, किडनी वाला मोड है, लंग वाला मोड है, ये मोड, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ कौन सा मोड है, किडनी वाला। पूरे पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है किडनी वाला मोड, क्योंकि किडनी से यूरिन निकलता है इसलिए इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो हमको सब के बारे में जानना होगा क्योंकि सारा एक्सक्रीशन है, लेकिन अगर हम कहेंगे सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के बारे में तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, किडनी और दुनियादारी जो भी यूरिनरी बनता है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे आ जाते हैं, क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर का सबसे प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रीशन का शरीर का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है तो क्या है, किडनी। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो हम मनुष्यों में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, दो किडनी पाई जाती है, बड़ा महंगा मिलता है, लोग गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करते हैं तो किडनी काट के भेज देते हैं, है ना। चल रहा है सीजन, आज कौन सा डे है,
किडनी एक जोड़ी होता है। अब इस किडनी में देखा जाए तो दो इंसान किडनी होती है, राइट होती है और लेफ्ट होती है। लेफ्ट वाली राइट से थोड़ी सी बड़ी होती है। राइट और लेफ्ट किडनी की बात करें, दो किडनी होती है। दोनों कहाँ पे होती है? हमारे एब्डोमेन, ये हमारा एब्डोमेन है, जो पेट है उधर गुहा हिंदी कहते हैं, एब्डोमेन के दोनों साइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोख कहते हैं, ठीक। ये यहाँ पर गुदगुदी हो जाती है ना, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों किडनी ये सेम के जो आपका बिया होता है ना बीज, उसके सेप का होता है। इसके आकार का सेम के बीज के आकार का, इंग्लिश में बीन सेप कहते हैं। बीन के आकार का होता है, बीन वाला बीन नहीं, सेम वाला बीन, ओके। बीन के आकार का होता है। ये दोनों जो किडनी है, राइट और लेफ्ट किडनी, इनसे पतली सी पाइप निकलती है दोनों से, जिसे यूरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर क्या है? किडनी से निकलने वाली एक पतली सी पाइप है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर दोनों आगे मिलते कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर में। ये थैला, ये क्या है? थैला है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये निकलता है यूरेथ्रा। ये नीचे यहाँ से खुलता है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब देखो, ये हमारे जो दो मोटे मोटे हैं, ये ब्लड वेसल। तो देखो, हमारे किडनी में जो ब्लड है भाई, पूरे शरीर में जो पहुंचाने के बाद जो ब्लड है वो किडनी में आता है, और किडनी में जाके साफ होता है, फिल्टर होता है, अपना सारा वेस्ट किडनी में छोड़ देता है और ब्लड प्यूरिफाई होकर बाहर निकल जाता है। इन्हीं के द्वारा ब्लड आता है और इन्हीं के द्वारा ब्लड जाता है और सारा वेस्ट इसके अंदर छोड़ के चला जाता है। यानी ब्लड यहाँ से घुसा, ब्लड यहाँ से निकला, ब्लड यहाँ से घुसा, ब्लड यहाँ से निकला, यहाँ से घुसा अशुद्ध ब्लड, यहाँ से निकला शुद्ध ब्लड, और सारा कचरा किसके पास दे दिया? किडनी। दोनों किडनी के पास अपना सारा कचरा दे देता है। अब वो जो वेस्ट है, वो वेस्ट को फिल्टर करता है, उसमें से जो काम की चीज होती है वो निकाल लेता है, भाई वाटर है, मिनरल है, प्रोटीन है, कुछ हमारे शरीर काम भी तो है, उसको निकाल लेता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचता है वो इन दोनों पाइप के द्वारा, दोनों पाइप के द्वारा नीचे भेज देता है। कहाँ भेजा जाता है? यूरिनरी ब्लड। ये यूरिनरी ब्लड एक थैला होता है, जहाँ पे हमारे बॉडी में हर मिनट हर सेकेंड थोड़ा थोड़ा ml करके यूरिन इकट्ठा होता रहता है हमेशा, और जब इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हमको ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है टॉयलेट होने करने की, और फिर हम जाते हैं इसको यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर। तो हमारे पूरे किडनी की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक पेयर किडनी होती है, दोनों पाइप को यूरेटर बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार पार्ट वाले इंपॉर्टेंट है, ये जो किनारे किनारे हैं, और इनके ऊपर दोनों के ऊपर लगे होते हैं एडिनल ग्लैंड टोपी की तरह, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया किडनी के नाम, ठीक है। अब हम एक किडनी की एनाटॉमी की बात करेंगे, कि किसी एक किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर एक किडनी को हम ले लें और उसको ऐसे पीएस काट दें, लंबा लंबा ऊपर से क्या करें हम काट दें, तो ये हमको जो खुला हुआ भाग दिख रहा है अंदर से काटेंगे तो जो खुला हुआ भाग दिख रहा है ये एनाटॉमी ऑफ किडनी है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम देखेंगे कि इस पूरे किडनी के स्ट्रक्चर में ये जो पाइप निकली है, इस पाइप को हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। और जो नीचे पतली पार्ट निकली है उसे यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर निकला, ये क्या है? यूरेटर। और ये हाइलम, और ये हाइलम और यूरेटर के बीच में जो थोड़ा सा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बना है, इस गड्ढे में हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? ये पूरे पूरे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। ये गड्ढे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आपका हाइलम, ये जो निकला है हाइलम, यूरेटर, और गड्ढे वाले भाग को बोलते हैं पेल्विस। और ये वही जो आर्टरी है जो यहाँ पर ब्लड सेंटर किया है, ये वही वाला ब्लड। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इसके स्ट्रक्चर को दो भाग में बांट सकते हैं, बाहर की ओर, ये भाग बाहर और इतना भाग अंदर। बाहर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। और अंदर वाले भाग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। मेडुला और कॉर्टेक्स। और किडनी के ऊपरी स्ट्रक्चर में पतली सी कैप्सूल लेयर पाई जाती है, इसे कैप्सूल है। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? ऊपर से परत है, किडनी थोड़ी सी रक्षा करता है। अब अगर अंदर की बात करें तो जो हाइलम है ये मोटी पाइप है, ये मोटी पाइप अंदर देखो कि कई बड़ी बड़ी पाइप में खुल रहा है। ये पाइप एक नाली, दो नाली, तीन नाली, चार नाली, पांच नाली, एक बड़ी नाली है, और ये नाली दोबारा कोई नदी है, और अलग अलग नहरें हैं, तो कई अलग अलग सेक्शन में खुल रहा है। इन सभी सेक्शन को कैलिक्स कहते हैं, बड़े हैं इसलिए नाम होता है मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। अगर इसका बहुवचन लिखो तो कैलिस, CALYCES, यानी इसका जो बहुवचन फॉर्म होता है उसे कैलिसिस कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको कैलिसिस भी दिखेगा, और सिंगल फॉर्म को एक को बोलेंगे कैलिक्स, और इकट्ठा क्या बोलेंगे? कैलिसिस। और यही वाले आप देखो तो आगे जाके ये और कई शाखाओं में बट रहे हैं, जैसे वहां ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बट रहा था, वैसे ये है कई शाखाओं में बट रहे हैं। इन शाखाओं को बोला जाता है माइनर कैलिक्स। माइनर मतलब छोटा, बड़ा था और छोटा था, बड़ी नाली, छोटी नाली, मेजर कैलिक्स और माइनर। ये सारा पार्ट कहां पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। और
कैलिक्स के ऊपरी भाग में कुछ रंग बिरंगे भाग पाए जाते हैं जो ब्राउन कलर होते हैं, इनको पिरामिड्स हैं। क्या बोलते हैं? और आउटर पार्ट हमारा क्या ऑलरेडी है? मेडुला। तो फिर से स्ट्रक्चर डिस्कस कर दूं, जो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हाइलम है, यूरेटर है, पेल्विस है, इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला में, मेडुला बाहर की ओर, कॉर्टेक्स अंदर की ओर। कॉर्टेक्स में आपके मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, और उसके अंदर क्या लगे हुए हैं? पिरामिड। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका जो यूनिट सेल क्या होता है, इसके यूनिट सेल को निफ्रॉन कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में निफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।